नेल आर्ट में जो स्ट्राइपिंग टेप यूज़ करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मैंने घर पर बनाई है। तो इस वीडियो में स्ट्राइपिंग टेप आप घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेल आर्ट से रिलेटेड अगली वीडियोस जो मैं डालूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्ट्राइपिंग टेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव टेप का यूज़ किया है। मेरे पास यहाँ एक ब्लू कलर और एक सिल्वर कलर, ऐसे दो डेकोरेटिव टेप हैं। इस डेकोरेटिव टेप में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं ब्लू कलर का स्ट्राइपिंग टेप बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ये पेपर ले रही हूँ। आप किसी भी तरह का एक पेपर ले लें, या फिर आप पेपर की जगह कोई प्लास्टिक रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्लू कलर की स्ट्राइपिंग टेप बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का डेकोरेटिव टेप लिया है। आपको जिस कलर का स्ट्राइपिंग टेप बनाना है आप उस कलर का डेकोरेटिव टेप ले लें। इस डेकोरेटिव टेप को मैं खोल लूँगी और इस पेपर पर चिपका दूँगी। जब आप ये डेकोरेटिव टेप वाइट पेपर पर चिपकाएंगे तो उसमें किसी भी तरह का गैप ना रहे, इसका ध्यान दें। और यहाँ पे लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ जितना वाइट पेपर कट किया है उतने ही लेंथ में यहाँ पे डेकोरेटिव टेप की ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव टेप को वाइट कलर के पेपर पर चिपका दिया है और इस टेप को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। इस डेकोरेटिव टेप को एक बार अच्छे से प्रेस कर लें ताकि अच्छे से वाइट पेपर पर चिपक जाए। इसी तरह से और एक बार मैं डेकोरेटिव टेप को यहाँ पर चिपका लूँगी। मैंने जहाँ पहली डेकोरेटिव टेप को चिपकाया है उसके पास में ही मैं इस डेकोरेटिव टेप को चिपका दूँगी। आप देख सकते हैं दोनों डेकोरेटिव टेप के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। इन्हें फिर से एक बार मैं अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ और इस टेप को मैं यहाँ से कट कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर का पेपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जहाँ पे हमने डेकोरेटिव टेप चिपकाई है उसके पीछे जो वाइट पेपर है उस पर हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर हम वाइट पेपर की जगह कोई प्लास्टिक रैप का यूज़ करते तो उस पर लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो इसलिए यहाँ मैंने वाइट कलर का पेपर लिया है। आप देख सकते हो इसके पीछे मैंने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। हमें यहाँ डेकोरेटिव टेप के स्ट्रिप्स तैयार करने हैं, इसलिए मैंने इसके पीछे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं वो एकदम बराबर गैप में लिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ताकि हमारी स्ट्राइपिंग टेप एकदम बराबर बने। तो यहाँ पर मैं सीज़र के हेल्प से इन्हें कट कर ले रही हूँ और इनके स्ट्रिप्स तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के लाइंस जो बने हुए हैं वहाँ पे भी मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स तैयार कर लिए हैं। अभी मुझे इन स्ट्रिप्स को एक दूसरे से जॉइंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये टेप ले लिया है और इस टेप को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे टेप का जो पीस मैंने कट किया है वो ब्लू कलर के स्ट्रिप्स पर मैं हाफ़ लगा रही हूँ और हाफ़ खाली छोड़ रही हूँ, ताकि वहाँ पे मैं दूसरे स्ट्रिप्स अच्छे से लगा सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। यहाँ साइड से जो ट्रांसपेरेंट टेप दिख रही है इसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से हमें स्ट्राइपिंग टेप को बनाना है, तो यहाँ पे जो बाकी के स्ट्रिप्स हैं बचे हुए उन्हें भी मैं इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी।
ये देखिए डेकोरेटिव टेप की हमने लंबी स्ट्रिप तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग पेपर लिया है और इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसे मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे मैं फेविकॉल ले रही हूँ और फेविकॉल को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसे इस तरह से मैं चिपका ले रही हूँ और जो बाकी बचा हुआ है उसे भी हमें चिपकाना है, इसलिए यहाँ पे मैं फेविकॉल लगा के इसे चिपका दूंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। जो लंबी स्ट्रिप्स हमने तैयार की है वो इस पर लगानी है, इसलिए यहाँ पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसे चिपका रही हूँ। तो यहाँ मैंने फेविकॉल को लगा के इसे अच्छे तरह से चिपका लिया है और जो बाकी बची हुई स्ट्रिप है उसके पीछे का हिस्सा जो हमने पेपर लगाया था उसे मैं निकाल दूंगी और इसे इस पर चिपका दूंगी। इसी तरह बाकी बचे हुए स्ट्रिप पर जो पेपर लगा हुआ है उसे मैं निकाल कर इसे चिपका दूंगी। ये देखिए हमारी स्ट्राइपिंग टेप बनकर तैयार है। इस तरह से आप अलग अलग कलर के स्ट्राइपिंग टेप इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। इसी स्ट्राइपिंग टेप को मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। इस तरह से सारे नेल्स पर मैंने स्ट्राइपिंग टेप लगा लिया है। आपको जिस तरह की डिज़ाइन आपके नेल्स पर चाहिए उस तरह से आप स्ट्राइपिंग टेप को चिपका लें। यहाँ मैं दो कलर के नेल पॉलिश का यूज़ कर रही हूँ। एक लाइट कलर की नेल पॉलिश ली है जो कि सिल्वर कलर की है और एक डार्क कलर की नेल पॉलिश ली है जो कि ब्लैक कलर की है। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इन दो नेल पॉलिश का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ करके उससे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ मुझे ये सिल्वर नेल पेंट चाहिए थी वहाँ मैंने ये लगा ली है और अभी मैं ब्लैक कलर की नेल पेंट बाकी बचे हुए जगह पर लगा लूँगी। यहाँ मैंने दोनों नेल पेंट अच्छे से लगा ली है। जो हमारे नेल्स पर नेल पॉलिश लगी हुई है इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद ही इस स्ट्राइपिंग टेप को निकालें। अगर नेल पॉलिश ड्राई नहीं हुई और आपने इस स्ट्राइपिंग टेप को जल्दबाजी में निकाल लिया तो आपने जो डिज़ाइन क्रिएट की है वो ख़राब हो जाएगी। तो पहले नेल पॉलिश को ड्राई होने दें, उसके बाद ही इस स्ट्राइपिंग टेप को निकालें। तो यहाँ मैंने सारे स्ट्राइपिंग टेप को निकाल लिया है।
आप देख सकते हो ये डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से स्ट्राइपिंग टेप को आप घर पर एक बार ज़रूर बना कर देखिए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये आइडिया कैसे लगा।